नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटी का, जो आपका कल पेपर है इस पर बात होगी, क्योंकि कल आप सभी ने मॉडल पेपर देखा था जहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस थे वो मिले। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों पर जो कि मॉडल पेपर आपके सामने हैं। तो दोस्तों, अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आप हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो दोनों चीज़ों का दोस्तों लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां पर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद में अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपका सामने है, ADHD का पूर्ण रूप है, आपसे काफ़ी बार बताया गया है और केवल फंसाने की कोशिश रहती है। हमेशा एग्जामिनर ये चाहता है कि आप छोटी छोटी गलतियों को देखें और गलत करें। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके थे वो पेपर में दिए गए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने जो फुल फॉर्म्स आई थी उनको गलत किया है। जैसा कि उन्होंने बताया, मैं खुद से नहीं कह रहा, उन्होंने बताया जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। प्रश्न आए उसको आराम से पढ़िएगा और देन उसके बाद में आप लोग आंसर को टिक कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑटिज्म एक अवस्था है, यानी कि स्वलीनता की बात होती है, स्वलीनता एक विकासात्मक अवस्था है या कह सकते हैं प्रगतिशील अवस्था है। दोस्तों, यह जो डेफिनेशन है आप कह सकते हैं कि अमेरिकन विकलांगजन अधिनियम के अनुसार स्वलीनता को क्या कहा गया, स्वलीनता एक विकासात्मक अक्षमता है जो मुख्य रूप से बच्चों के शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। यह मुख्य रूप से 0 से 3 वर्ष के आयु में शुरू हो जाती है और अगर बच्चे पर ध्यान ना दिया जाए तो यह अवस्था जो है बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं AAMR। दोस्तों, AAMR यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, AAMD मेंटल डिफिशेंसी हो जाएगा और AAMR मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ए सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं AAIDD, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा AAIDD का फुल फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैनर व्याधि सिंड्रोम नाम से जाना जाता है, कैनर व्याधि सिंड्रोम। दोस्तों, लियो कैनर ने 1943 ईस्वी में बाल्टीमोर में 11 बच्चों पर आकलन किया था और क्या पाया था दोस्तों, इन्होंने ही स्वलीनता को बताया था, जिसको पहले क्या बोलते थे, लियो कैनर या कैनर व्याधि सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौशल प्रशिक्षण है, कौशल प्रशिक्षण है, शरबत बनाना, सामूहिक मजदूरी करना, पानी देना सिखाना या इनमें से सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, कौशल प्रशिक्षण ये तीनों हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वह डी के साथ में सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सफ़ेद छड़ी का प्रयोग दृष्टिहीनों के लिए किया जाता है। दोस्तों, वाइट केन का प्रयोग दृष्टिहीनों के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। और जो दृष्टिहीन का जो राष्ट्रीय संस्थान है वह है आपका दिल्ली में। आगे हम बात करते हैं, NIHH है आपका मुंबई में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेली में बच्चों का सिर बड़ा होता है। दोस्तों, सही बात है, हाइड्रोसिफेली में बच्चों का सिर बड़ा होता है और माइक्रोसिफेली में बच्चों का सिर छोटा होता है। ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, जो ADHD है का लक्षण किसी कार्य में बहुत जल्दी भड़क जाना नहीं है, किसी कार्य में बहुत जल्दी भड़क जाना नहीं है। अगर आपको यहाँ पर नहीं है लगा देता है, क्योंकि किसी भी कार्य को बहुत जल्दी भड़क जाते हैं बच्चे ADHD के, तो दोस्तों यह जो आपका कथन हो जाएगा वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कथन दिया गया है गलत। यहाँ पर अगर नहीं होता, इसको नहीं अगर हम काट दें
तो यह कथन सही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं लग जाएगा तो यह कथन गलत हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो तीसरा जो आपका कथन है वो गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुणसूत्रीय विकृति मंगोलिज्म को उत्पन्न करती है। गुणसूत्री विकृति जो है वो मंगोलिज्म को उत्पन्न, जो मंगोलिज्म होता है को उत्पन्न करती है। तो आप सभी को पता है कि मंगोलिज्म किसको बोलते हैं, तो दोस्तों मंगोलिज्म किसको बोलते हैं आप सभी लोग बताइएगा, क्योंकि काफ़ी बार आपसे पेपर में पूछ देगा कि मंगोलिज्म को बताइए या मंगोलिज्म किसको कहते हैं। तो दोस्तों मंगोलिज्म कहते हैं डाउन सिंड्रोम को। किसको? डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं मंगोलिज्म। याद रखिएगा, अगर आपको चीज़ें हिंदी में नहीं समझ में आती हैं कभी कभी, तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, ध्यान दे लिया कीजिए कि इंग्लिश के वर्ड्स भी नीचे लिखे होते हैं, तो आप लोग ध्यान दे करके उन चीज़ों को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका कथन है वह हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं NIEPMD का पूर्ण रूप नेशन इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो दोस्तों यह भी आपका सही हो जाएगा। यह संस्थान आपका कहाँ है आप सभी को बताना है, इस कमेंट सेक्शन में तुरंत जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों का सेकेंड ईयर पूरा हो जाएगा। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता है दोस्तों तो बहुत ही शर्म की बात है। तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थियों को पता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा और इसका ये कहाँ है इसको आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलान कीजिए, यानी कि जो सेरेब्रल पाल्सी होती है उसको हम CP कहते हैं। RPWD एक्ट 4% आरक्षण देता है, इसमें 21 दिव्यांगताओं पर बात होती है। PWD एक्ट में 7 दिव्यांगताओं पर बात होती है। PWD एक्ट जो होता है आपका समान अवसर पूर्ण भागीदारी संरक्षण की सुरक्षा होता है, यानी कि PWD एक्ट जो था वो होता है 1995, RPWD एक्ट जो आपका था है ये 2016, और जो आपका NTA एक्ट है तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा 1999। आज प्रश्न यहाँ से आया भी था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं NTA एक्ट यानी कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। MD को आप कहेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी, और FACP जो होगा वह आकलन के लिए होता है, और आपका यहाँ पर RPWD 4% और CP। बहुत ही अच्छा प्रश्न आने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों। संवेदनहीन यानी कि सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या होता है, आपको सेंसरी इम्पेयरमेंट के बारे में लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, हो सकता है आपसे पेपर में पूछ दे। मिर्गी क्या है? एपिलेप्सी को जरूर तैयार कर लीजिएगा। एपिलेप्सी क्या है आपसे 5 नंबर में भी पूछी जा सकती है, और दोस्तों यह टॉपिक ऐसा है कि आपसे 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो मिर्गी को अच्छे से तैयार करके जाइए। क्रेटिनिज्म क्या होता है? यूनिट 5.4 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 5 से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। आपका फंजाइल एक्स सिंड्रोम हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, हाइड्रोसिफेली हुआ, क्रेटिनिज्म हुआ, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, तो दोस्तों इनमें से आपसे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाने वाला। इन टॉपिक्स को आप जरूर देख लीजिएगा। चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, या संचार यानी कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर के प्रश्नों पर व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी कि फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार, सेरेब्रल पाल्सी तैयार कर लीजिएगा। CP क्या होती है, CP की परिभाषा किसने दी, सभी चीज़ें आप तैयार करके जाएंगे, आपको जरूर फंसने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टिव डिवाइस यानी कि सहायक उपकरण पर नोट लिखिए, यानी कि असिस्टिव डिवाइस क्या होते हैं इन पर आपको नोट लिखना है, और असिस्टिव डिवाइस के साथ साथ में एडेप्टिव डिवाइस भी आप लोग दोस्तों पढ़ लीजिएगा। एडेप्टिव डिवाइस भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वे हम बात कर लेते हैं बहुविकलांगता क्या है इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, बहुविकलांगता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप बहुविकलांगता के बारे में तैयार कर लीजिएगा। ADHD की परिभाषा दीजिए, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, आपसे 5 नंबर में भी पूछा सकता है, 10 नंबर में भी पूछा सकता है, तो दोस्तों इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। भावात्मक विकार वाले बच्चे यानी कि जो बच्चे भावात्मक विकार से संबंधित रखते हैं उनके लिए एक अच्छा प्रबंधन करना है, उसकी रणनीति तैयार करनी है आप सभी को। तो दोस्तों लगभग आपके ये प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अब लास्ट हो चुका है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने मित्रों के पास में। मिलता हूँ दोस्तों कल मॉर्निंग में फिर से नई वीडियो के साथ, कुछ नए जज्बे के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।